हो गए तैयार क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए कितना शानदार, मैंने आपको वादा किया था 100 क्वेश्चन 100 टिप्स, 100 क्वेश्चन 100 टिप्स की बात कहा था। पर डे एक नए क्वेश्चन के साथ, नए फ्लेवर के साथ, बिल्कुल समझो आप गोल्ड प्लेटेड सिल्वर प्लेटेड आपका जो है फ्लेवर के साथ क्वेश्चन को फ्रेम करके आपके सामने पेश किया जाएगा। IIT एडवांस यही करता है। मैंने कहा था आपको प्रीवियस क्लासेज में, यहाँ पे आपका अलजेब्रा होगा, यहाँ पे कैलकुलस होगा, एक नया क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री से उठाएगा, तीनों को मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक नया चीज निकालेंगे। अब पूछेंगे बताओ व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो दिस इज IIT एडवांस बच्चे। IIT एडवांस में मिंगल क्वेश्चन, फ्यूजन बेस्ड क्वेश्चन, मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन को पूछने का ट्रेडिशन चल पड़ा है। तो आइए क्वेश्चन देखता हूं मैं, क्वेश्चन है कैसा। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी का, बट ये क्वेश्चन है लिमिट का। आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटी, बट क्वेश्चन किसका है, क्वेश्चन ओरिजिनल लिमिट का क्वेश्चन है माय डियर। अब इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। आइए मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को मैं ठीक करता हूं आपके पास। अब इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट अपने पास है इसे छोटा कर दिया पहले, अब देखो क्वेश्चन में क्या अपने पास है। अब यहां से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, हमारे पास क्वेश्चन है ए बैग कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉल्स। अपने को नहीं पता तो मैं लिख रहा हूं व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल कितने, व्हाइट बॉल्स नहीं मार्बल्स, व्हाइट मार्बल्स कितने, तो व्हाइट मार्बल्स हमारे पास है ये मान लो एन, और दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल है बच्चे, तो ब्लैक कितना हो गया, तो ब्लैक की बात करोगे, ब्लैक मार्बल्स की बात करोगे, ये भी हो गया एन, तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, टोटल मार्बल्स हो गए आपके पास, ये हो गया आपके पास 2N, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हो गए 2N। आपको क्या करना, आपको करना है बच्चे ऐसे समझोगे एन मार्बल यहाँ पे है और एन मार्बल यहाँ पे है, इसमें व्हाइट और ब्लैक मिला हुआ बच्चे, तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, यहाँ से 5 निकालते हैं, 5 अपन यहाँ से ड्रा करते हैं। ऐसा निकालना है कि फर्स्ट में हमारे पास एग्जैक्टली 1 व्हाइट हो और सेकंड वाला में सैंपल में एग्जैक्टली 3 व्हाइट हमारे पास हो, यही क्वेश्चन का कंसेप्ट पूछा जा रहा है। सॉरी एग्जैक्टली 3 ब्लैक हो, फर्स्ट में हमारे पास एग्जैक्टली 1 ब्लैक हो और सेकंड में हमारे पास एग्जैक्टली 3 ब्लैक हो, इस बात का ख्याल रखना है। तो देख बच्चे मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, मैं इसे आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन में। अब मुझे चाहिए क्या, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखो यहाँ से क्या लिखूंगा मैं, अब यहाँ से लिखूंगा मैं इसको ऐसे, यहाँ लिखूंगा लिमिट, चूंकि हमारे पास n टेंस टू इनफाइनाइट, लिमिट क्यों लगाया, ये लार्ज नंबर है, पता नहीं n कितना है बच्चे, n डिफाइन नहीं है हमारे पास कितना है, तो अनलिमिटेड है, इससे उसको लिखा हमने अनलिमिटेड से फाइंड करना है, तो लिमिट लगाया n टेंस टू इनफाइनाइट। अब इसकी बात करूंगा मैं, फर्स्ट की बात करूंगा मैं, हमारे पास दो दो पार्ट है, ऐसे दो पार्ट है बच्चे, ये हो गया आपका 2NC5 और ये भी हो गया 2NC5। एंड चाहिए, एंड क्यों चाहिए, एंड इसलिए चाहिए बच्चे, क्वेश्चन में है दिस एंड दिस, दो सैंपल चाहिए, एंड का मतलब होता है मल्टीपल और का मतलब होता है प्लस। अब यहां से चाहिए क्या बच्चे, फर्स्ट सैंपल कंटेन्स 1 ब्लैक मार्बल, 1 ब्लैक चाहिए NC1 और नेक्स्ट बच गया आपका NC4, सेकेंड की बात करोगे तो NC3 और बचेगा आपका NC2, यही आपके पास एंसर हो गया, यही आपके पास एंसर हो गया। अब इसे खोलना है, अब लिमिट का काम करेंगे, परमिशन कमीशन का काम आपका हो गया, प्रोबेबिलिटी का आपके पास काम हो गया, प्रोबेबिलिटी में जो चाहिए था वो सब कुछ कर लिया। अब नई बात करूंगा मैं यहाँ से, अब यहाँ हाइयर कॉन्सेप्ट आ गया लिमिट का, अब इसकी बात मैं करूँगा, देखिएगा अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लिमिट की बात कर रहा हूँ, तो देखिए इस क्वेश्चन में लिमिट में कैसे क्या करेंगे। अब यहाँ लिखता हूँ मैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो देखिए तो क्या हो गया, ये यहाँ से लिखूंगा मैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, बिल्कुल सही है बच्चे, इसको ऐसे लिख दिया आपने यहाँ से। अब NC1 ये अपने पास हो गया n, NC4 n का 4 फैक्टर, n n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, ये हो गया इसका 4 फैक्टर, अपॉन हो गया फैक्टोरियल 4, फैक्टर 4 का मतलब कितना हो गया, यहाँ से क्या लिखोगे आप लिखोगे 4 × 3 × 2 × 1, बिल्कुल सही है, यहाँ से अपॉन में इसकी बात भी करेंगे। अब इसको पहले ब्रेक की ओर अच्छा रहेगा, NC3 ये अपने पास हो गया n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, बिल्कुल सही है,
अगेन NC2, इसको भी खोलो आप, इसे खोलो, इसे कैसे खोलेंगे आप? तो देखिए बच्चे, इसे खोलेंगे आप यहाँ से NC2, n इंटू एन माइनस वन, ये कंडीशन आ गया। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ ऐसे, ये लिखा अपॉन में हो गया फैक्टोर 3, अपॉन हो गया इसके लिए फैक्टोरियल 2। अब इसे ब्रेक किया जाए आपका 2NC5 को, तो 2NC5 को मैं ब्रेक करता हूँ, जब देखिए उसके लिए क्या करेंगे आप, 2NC5 कैसे ब्रेक होगा। अब देखिए यहाँ से इसका लिखता हूँ 2NC5 का 5 फैक्टर, 2N, 2N माइनस 1, 2N माइनस 2, 2N माइनस 3 एंड 2N माइनस 4, ये हो गया बच्चे 1 2 3 4 5 फैक्टर, यहाँ भी 5 फैक्टर, यहाँ भी 5 फैक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्क्वायर कर दो ना आप, इसका स्क्वायर कर दो बच्चे, इसका स्क्वायर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये हमारे पास ऊपर आ गया फैक्टोरियल 5, ऊपर आ गया फैक्टोरियल 5, ये कंडीशन बना। अब कुछ नहीं करने का, अब केवल सोल्व करना है बच्चे, अब इसे ब्रेक करना है। अब यहाँ से मैं कॉन्सेप्ट को उठाता हूँ, देखेंगे आप। अब यहाँ से मैं एक सिंपल सी बात करता हूँ क्वेश्चन में। अब यहाँ की बात देखो क्या किया, अब यहाँ लिखता हूँ बच्चे, जहाँ जहाँ इन है कितनी बार इन निकाल लो, जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंडीशन रहे तो हायर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, जब भी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट कंडीशन हो तो हायर से डिवाइड किया जाता है। ऊपर गिनती गिन लो आप, इन 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम 10 टाइम, इन का पावर 10 आ गया आपका न्यूमरेटर में, इन का पावर 10 आ गया डिनोमिनेटर में, दोनों कैंसिल हो गए, आपका काम हो गया। अब देखिएगा दोनों कैंसिल हो गया बच्चा, बिल्कुल सही है, उसे कैंसिल करो, जो बच रहा उसको लिखो, ये बच रहा हमारे पास, ये हमारे पास हो गया 120 इंटू 120, बिल्कुल सही है। इसकी बात करोगे तो ये हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ से अपने पास 6 इंटू 2, अब यहाँ से 2 निकालोगे, 1 2 2 का स्क्वायर कितनी बार, 2 का पावर 10 आ गया बच्चे, 2 का पावर 10 यहाँ से आ गया, क्योंकि 2 स्क्वायर 2 हमारे पास 5 टाइम है, उसका स्क्वायर है, तो 2 का पावर 10 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। अब इसे खोल दें आप, इसे खोल देंगे 4 3 12, ये अपने पास हो गया दिस वन। अब और खोलेंगे 6 2 12, तो यहाँ से हो गया आपका दिस वन, ये अपने पास 10 10 हो गया बच्चे। और कुछ किया जाए, यहाँ से इसको कट करोगे तो ये हो गया अपने पास 5, यहाँ से फिर कट करोगे तो ये हो गया आपका 2 का पावर 9, ये अपने पास फिर से हो गया 5, तो ये बन गया आपका 25 बाई कितना हो गया, नीचे अपने पास हो गया 512, ये आंसर हो गया। सो दिस इज द आंसर माय डियर। अब जरा ऑप्शन की ओर आते हैं, अब जरा गौर से देखो अपने ऑप्शन को, ऑप्शन कहाँ हो आप, बुलाओ आप ऑप्शन को, बुलाइए ऑप्शन, आप कहाँ हैं जल्दी आइए। ये हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है बच्चे 5/20, आपका 25/512, तो 25/512 हमारे पास ऑप्शन था, तो ये अपने पास ऑप्शन हो गया, ये अपने पास ऑप्शन हो गया 25/512, ये क्वेश्चन था। इसे बोलते हैं ये, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे, ये क्वेश्चन हुआ। एक क्वेश्चन करने पे तसल्ली हो जाएगी, मन आपका भर जाएगा, ज़्यादा नहीं, आपको पर डे मेरे लिए 4 to 5 मिनट समय देना है, 4 से 5 मिनट मैक्सिमम, और मैं रोज करूंगा आपके साथ नई नई बातें मैथमेटिक्स के साथ। ओके, तो बने रहें क्रिएटिव के साथ, सो ऑलवेज बी क्रिएटिव, ज्वाइन क्रिएटिव। सी यू माय डियर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।